दूसरा चैनल जो लग रहा है यहाँ पर वो मेरे भाई कुलदीप चाहर जी की तरफ से लग रहा है। ढोलक पर संपत्ति कर रहे हैं बड़े भाई धर्मवीर चाहर जी भवनपुरा क्रावली आगरा यूपी से पेड़ पर झनकार लगा रहे हैं। बड़े भाई राम जी जी बड़ीका से झनकार को पहुंचा रहे हैं। भाई पारा सर जी रूपगंज से आपके सामने जिकड़ी भजनों की गायिका है पूजा ठाकुर जटारी अलीगढ़ से लीजिएगा जिकड़ी का एक और रंगारंग कार्यक्रम। श्रोता बंधु हो आपके सामने तीन दिवसीय जिकड़ी भजनों का कार्यक्रम चल रहा है। बड़े ही अच्छे अच्छे कलाकार आपके समक्ष बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताते हुए जा रहे हैं। भैया जी गौर करिएगा कभी कलम को उठा रहा है और चार लाइन भेज रहा है भैया धर्मवीर जी कैसे किसाना कहे भैया किसाना कहे सुनार से उज्जवल संग के यौ उठ बोली गामुची और लाल वरणी मेरो अंग संग श्रोता बंधुओं सुबह का समय वैसे देखो दोपहर रहेगी लेकिन सुबह सी लग रही है वो तो क्या तीन दिन आते फड़सन पाई नंबर आए रोम यार तो जनता झोल लू और आज दूसरा नंबर आवेगा तो जनता चली जाएगी। सुबह का वक्त कभी चेतावनी दे रहा बंदे जिस परमपिता परमेश्वर ने तुझे इस मनुष्य रूपी शरीर को देकर भेजा है तेरा भी परम कर्तव्य बनता है उस ईश्वर की वंदना कर पूजा कर अर्चना कर गुणगान कर क्योंकि तू इस दुनिया में खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। लिख रहा है कभी बड़े सुंदर शब्दों में भैया धर्मवीर जी कैसे कहा और ये सोने जैसी काया तेरे और काम नावेगी भैया और ये सोने जैसी काया तेरे और काम नावेगी ओ बाबरे ये माया संग नहीं आवेगी ओ बाबरे ये माया संग नहीं आवेगी। श्री राधे कहा है ये सोने जैसी ही काया
हरिश्चंद्र ने सुनाए आठवें जवाब दिया कि पहले पत्त ही नट गयो राजा, पहले पत्त ही नट गयो राजा, ना तेरा बोझ उठाओ। और कितनी मौत के कह बुढ़िया ना बोझ के हाथ, जितकू राजा पाम धरे, अरे जितकू राजा पाम धरे वो तो उतकू ही नरपकू टोके। और बाबा ये गैल भूपकी। आज राजा हरिश्चंद्र ने मैया गौरा के रूप को पहचाना नहीं, जिकड़ी का लंगड़ा ढोला आ रहा आपके समक्ष। और भैया लिख रहा है धर्मवीर जी कैसे, देखो साहब अब कहे बिन तो नहीं रहूंगी, हमारे संचालक साहब कौन है साहब, तुम ताखर इन्हें 3 दिनों में 10 रुपया दिए मुए, बहुत सोच विचार करके दिए, दऊ नहीं दऊ, दऊ नहीं दऊ, या कि रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दिया नोट के। लाली अभी तो पता ही ना, रुपया मेरे पर्सों से धक्का धक जा रहे, नंबर है ये कौन के ना छोड़ रहा हूँ मैं, हाँ सबको दे रहा हूँ, तय दसई रहे साहब। अब भाई देखो जैसो ने बिल्कुल नहीं देखो, परमात्मा दोष मत दियो तुम, अभी बिल्कुल दे दियो साहब, अब के नंबर में दे दूंगा ना, अगले नंबर की कुन्ने जानी आयो आयो नहीं आयो, चल कर छोरी तू ले लेगी। आइएगा कभी लिख रहा है लंगड़े झोला में भैया धर्मवीर जी कैसे। और देखो साहब तो ताली देखो बजनी चाहिए, ताली बजा दे, बड़ी मुश्किल से निकलवाए 50 रुपया। और लिख रहा है कभी भैया कैसे, और और
सजनों, समय की तरफ इशारा। आज मैया पार्वती ने गौर से सुने प्रश्न को। राजा हरिश्चंद्र को श्राप दे दिया है। ए राजा, तू अपने आप को एक दानी बताता है, एक क्षत्रिय राजा बताता है। तू किस बात का राजा है, तू किस बात का दानी है, जब एक निर्बल स्त्री की सहायता नहीं कर सकता। आज मैया गौरा ने राजा हरिश्चंद्र को श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें 6 महीने के लिए श्राप देती हूँ, तुम एक भंगी के यहाँ पर शमशान घाट में नौकर बनकर रहोगे। समय मेरा समापन की ओर, जिकड़ी की उड़ान आ रही है। और भैया धर्मवीर जी कवि लिख रहा है कैसे, कहा और श्राप 6 महीना तू होएगा, हे और श्राप 6 महीना तू होएगा, और श्राप 6 महीना तू होएगा, के सुन के हरिश्चंद्र रोएगा। बने मरे घट को रखवारो, तेरा हो तेरा ओ तेरा मालिक भंगी, बने लखनिया कह पर के बारो, तेरा मालिक भंगी, बने लखनिया कह पर के बारो। उड़ान हो गई, उड़ान की तर्ज आपके दिल और दिमाग में भी घूम रही होगी साहब। हमारी पहले चाची ताई गाय करी बड़ा सुंदर भजन भैया जी, और वो भजन कौन सा था, मधुबन में मुरलिया बाज रही बा नंद दुलारे, बाज रही बा नंद दुलारे की, मुरलिया